भावना है, बहुत पॉजिटिव भावना रहती है। उन्होंने देश का जो विकास की गाथा लिखी है, उस गाथा के चलते यहाँ पर पूरा सब लोग, पूरे आम जनता से लेकर हमारे शिक्षक समाज सब लोग आशान्वित हैं कि देश हमारों का ध्यान रखा गया है। जो पेपर लीक की बात होती थी और भी नौकरी में जो दिक्कत होती थी, तो ये सारी बातें चर्चा की गई है। कंडीशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह प्रधान, भाजपा MLC जीवन कुमार जी, जिनके साथ भारी संख्या में जो अतिथि टीचर है वो गया के गांधी मैदान में जा रहे हैं। सर आज आपके साथ भारी संख्या में अतिथि शिक्षक जो है गांधी मैदान जा रहे हैं, कितने उत्साह है लोगों में रैली में शामिल होने के? बहुत ज्यादा उत्साह है और आप देख रहे हैं, उत्साह को बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा उत्साह। और खासकर मोदी जी के प्रति सब लोग की जो है मन में जो भावना है, बहुत पॉजिटिव भावना रहती है। उन्होंने देश का जो विकास की गाथा लिखी है, उस गाथा के चलते यहाँ पर पूरा सब लोग, पूरे आम जनता से लेकर हमारे शिक्षक समाज सब लोग आशान्वित हैं कि देश हमारा और आगे बढ़ेगा और विकसित भारत की जो हमने कल्पना किया है कि 2047 तक हमारा विकसित भारत होगा। और एजुकेशन की बात करें तो 300 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए, 300 करीब 400 के आसपास यूनिवर्सिटीज खोले गए, तो ये सारी चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, तो सब 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 चीज़ों को लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक, आज गया में रैली हो रहा है, कितने आश्वस्त हैं जीतन राम मांझी यहाँ से कैंडिडेट? यहाँ की रैली जीत की गाथा तय कर देगी, यहाँ केवल 5,000 से ऊपर हमारे शिक्षक आ रहे हैं, शिक्षक बंधु आ रहे हैं, ये जीत की गाथा तय कर देगी। यहाँ की रैली जो है चारों तरफ से आ रहे हैं और बहुत लोग पहुँच चुके हैं, बहुत लोग तो हम पहुँच चुके हैं रैली में, वहाँ पर जा चुके हैं सवेरे से ही, 7:30 बजे से ही मैंने वहाँ पहुँच चुके हैं। जान लीजिए घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, कितने आश्वस्त हैं, कितने आश्वस्त हैं कि घोषणा पत्र से आप लोगों को फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा घोषणा पत्र से, इसलिए कि उस घोषणा पत्र में युवाओं का ध्यान रखा गया है। जो पेपर लीक की बात होती थी और भी नौकरी में जो दिक्कत होती थी, तो ये सारी बातें चर्चा की गई है, ये सारी बातें चर्चा की गई है। और भी कई बात उसमें जो युवाओं के लिए एजुकेशन की बात, युवाओं का एजुकेशन के साथ साथ आप देखिए बुजुर्गों का जो हेल्थ का ध्यान रखा गया, वहाँ पे आयुष्मान को आगे बढ़ाने का काम किया गया, और पूरी तरह देखिएगा कि हेल्थ के लिए उनको फ्री इलाज की बात की गई है, रोजगार की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की गई है, हर सेक्टर में विकास, हर सेक्टर में लगातार जो है बात करते रहे मोदी जी, और संकल्प पत्र में वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। अपराध पर जो है नियंत्रण की बात की गई है, ये हर चीज उसमें शामिल, हर चीज उसमें शामिल किया गया है जी। आखिर में एक सवाल है कि अतिथि शिक्षकों की मांग भी रही है, क्या लगता है कि उसके लिए सरकार कितनी पॉजिटिव? देखिए कई चीजें हमेशा 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 रहती है, लेकिन उन चीजों से मतलब नहीं, सबके उन चीजों से मतलब हमेशा अतिथि शिक्षक हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं और मोदी जी के सब फैन हैं, सब लोग मोदी जी के फैन हैं और NDA सरकार में सब लोग हमेशा जो है आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि भाजपा MLC जीवन कुमार है, जिनके नेतृत्व में भारी संख्या में गेस्ट टीचर जो है अतिथि शिक्षक गया के गांधी मैदान चल रहे हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।